मैं हूं बालकृष्ण थरेजा, आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्योंकि आज का कार्यक्रम महिला दिवस को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय क्रियाशील महिला दिवस या महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता दिवस भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समाज में महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी मनाया जाता है। चूंकि महिलाएं समाज का मुख्य हिस्सा होती हैं, महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाती हैं। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, किंतु वर्तमान में जो हालात दिखाई देते हैं, क्या उसमें वाकई नारी का सम्मान हो रहा है? नारी के सम्मान या अपमान के लिए कौन जिम्मेदार है? वर्तमान में क्यों नारी का हर तरफ तिरस्कार होता दिखाई दे रहा है? क्यों कुछ लोग नारी को भोग की वस्तु समझकर उसे मात्र इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं? यह बेहद चिंताजनक बात है। अनेक सरकारी योजनाओं कानून में अनेक धाराएं होने के बावजूद धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देता महिला सशक्तिकरण? बहरहाल, हमारी संस्कृति को बनाए रखते हुए नारी का सम्मान कैसे किया जाए, कैसे समाज की सोच को परिवर्तित किया जाए, इन सब बातों पर विचार करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ डॉक्टर सुमन चावला, जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक आकाशदीप सिद्धू, न्यायालय मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट में अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी बिड़ासरा, डॉक्टर दीपिका जैन, जिले के नोहर कस्बे में कार्यरत अध्यापिका श्रीमती गीता अरोड़ा, हमारे साथ हैं टाउन थाना की सब इंस्पेक्टर श्रीमती संजू बिश्नोई। आप सबका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। गीता, मैं सवालों की शुरुआत आपसे करता हूँ। मेरा सवाल है कि पूरे विश्व में धर्मशास्त्रों में नारी का सम्मान करना सिखाया जाता है। जी बिल्कुल। अगर सनातन धर्म की बात करें तो हमारे संस्कार सिखाते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए। हाँ जी। क्या लगता है कि वास्तव में नारी का सम्मान हो रहा है? सर, अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी देखोगे, अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी देखें कि सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी बजाय मेरे ख्याल में ये देखने की जरूरत है कि सम्मान अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है इसके। तो मुझे लगता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समाज बाद में आता है। कहीं ना कहीं हम खुद अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हैं। जब एक स्त्री अपने आप को खुद कमज़ोर समझना शुरू कर देती है कि नहीं, मेरी ये चार दीवारी तक ज़िंदगी है, अपने बच्चों को पालना और बड़ा करना, यही मेरी लाइफ है, तो कहीं ना कहीं जो उसका टैलेंट है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी स्किल है, वो बाहर नहीं आ पाती। और अगर लेडीज़ को सम्मान पाना है तो सबसे पहले एजुकेशन के साथ उसे अपनी स्किल को इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब वो खुद मिसाल बनेगी, ऑटोमेटिकली सोसाइटी की सोच चेंज हो जाएगी। क्योंकि हम सोच रहे हैं कोई बाहर से कोई एक अवतार आएगा और सारे समाज को बदल देगा, जो कि इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है दैट गर्ल्स शुड हैव टू कम फ्रंट। उन्हें अपने आप को इस तरह स्ट्रॉन्ग करना होगा एजुकेशन के साथ, अपने आप को इस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी, ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी कि वो मिसाल बन सकें। जब वो मिसाल बनेंगे, ऑटोमेटिकली परिवार भी सपोर्ट करेगा और समाज भी सपोर्ट करेगा। ठीक है प्रोफेसर सुमन चावला, मेरा आपसे सवाल है। कहा गया है कि स्वर्ग का रास्ता माँ के कदमों से होकर निकलता है। घर में साक्षात माँ के रूप में नारी जो धरती पर सबसे पवित्रतम रूप में होती है, हम उसके साथ उपेक्षित रवैया अपनाते हैं। मेरा प्रश्न है कि सांकेतिक रूप से तो हम माँ को भगवान मानते हैं, मगर यथार्थ में स्थिति बहुत अलग है। एक्चुअली जो हमारे भारतीय शास्त्र हैं उसमें हमने माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। जहाँ तक कि यदि एजुकेशन को मानते हैं तो उसकी देवी में हमने सरस्वती ली, और पैसा चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शक्ति चाहिए तो हम दुर्गा की पूजा करते हैं, और हमेशा सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जहां पर महिला को अपेक्षा करना पड़ा। तो जहां तक माँ की बात आती है, माँ जननी है, माँ के घर में वो सारा कुछ बच्चे को देती है, लेकिन समाज की अपेक्षा इस तरीके से रहती है कि वो शायद घर के काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि वो एक नर्स का काम भी करती है, एक पति के लिए बिलेवेड का काम भी करती है, एक बच्चों का सारा केयर करती है, और उसके ससुराल वालों की हर केयर को ध्यान रखती है। लेकिन फिर भी हमने समाज में सिर्फ इकोनॉमी को बेनिफिट दिया है कि जो पैसा कमा के लाए उसी को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो उस बात पे हम लोग ये मानते हैं कि उसको भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, और माँ की जो उपेक्षा की जाती है वो गलत है समाज में। और यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि माँ जो है उसको भी अपने इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग रह के अपने बच्चों पे थोड़ा रखना चाहिए। आमतौर पे क्या होते हैं हमारे घरों में, हमारे भारत में, कि हम लोग सारा बच्चों को दे देते हैं पहले,
वो भी मैं मानती हूँ कि गलत है, अपने हाथ में भी रखना चाहिए और बच्चों को सम्मान देने के लिए शुरू से संस्कारित भी करें। आमतौर पर क्या होता है कि हम बच्चों को करियर के प्रति तो रुझान देते हैं कि तुम्हें ये बनना है, तुमने इतना पैसा कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चों को पहले संस्कार दें और वही करके दिखाएं, क्योंकि बच्चे प्रवचनों को नहीं मानते हैं। यदि एक औरत या उसका पति अपने माँ बाप की इज्जत कर रहा है, बचपन से जो बच्चे देखते हैं, मैंने बहुत ये बात देखी है और मैं बहुत इन दिनों में कह भी रही हूँ कि हम बच्चों को ट्यूनिंग जो है पहले दिन से शुरू कर दें तो वो बच्चा सम्मान करेगा और हमारे भारत की जो संस्कृति है उसको वो मानेगा। जब आपको संस्कृति देने की कोशिश करेंगे, जब हम मॉडर्न बनने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चा भी मॉडर्न आपसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, उनको संस्कारित करिए तो घर वापस रूप वैसा ही आ जाएगा, तो तब माँ उपेक्षित नहीं होगी जब आपने नहीं किया। मैम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि हमने मॉडर्नाइजेशन को क्या समझ लिया है, कपड़े पहनना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, बाहर जाके एजुकेशन करना, वो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं है। यू हैव टू मेंटली चेंज, फिर वो चाहे जैसे कॉलेज गर्ल्स हैं, स्कूल गर्ल्स हैं, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ताकि उनके पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट कर सकें। अपनी काबिलियत को शो करना होगा, ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी बदल जाएगी। मतलब आपका कहने का भाव अर्थ है कि जैसा बच्चे देखेंगे वैसा आगे जा करके बनेंगे वो। आकाश जी, मेरा आपसे सवाल है, आप जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक हैं, केंद्र एवं राज्य की कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देकर के उन्हें उद्यमी बनाया जा सकता है, लेकिन देखा गया कि महिलाएं सिर्फ सिलाई कढ़ाई या ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्मिंग तक सीमित रहती हैं। यदि महिलाएं बड़े उद्योग स्थापित करने में रुचि नहीं लेंगी तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे बनेंगी? मेरा यह मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ा उद्योग ही लगाकर आप उसमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। लेडीज़ में क्या है कि उनको घर भी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि साथ साथ उनको अपना बिजनेस भी चलाना होता है। तो ये जो बिजनेसेस हैं जैसे डेयरी फार्मिंग हो गई, सिलाई कढ़ाई है, इसमें भी वो काफ़ी हद तक आगे जा सकती हैं और इवन अपने घर को एम्पावर कर सकती हैं। इवन सोल अर्नर भी हैं जो आगे जाके अपनी फैमिली को बहुत ही फ्रंट पे लाई हैं। इन कामों को हम छोटा नहीं मान सकते, सिर्फ ये कह के कि भी सिलाई कढ़ाई जो है वो छोटा काम है, डेयरी फार्मिंग छोटा काम है। डेयरी फार्मिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अपने यहाँ जैसे सरस की दुग्ध ये है, सरस की डेयरी है, उसका पूरा अवशीतन और उसका वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने का प्लांट है, तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा काम है। तो लेडीज़ के सहयोग, वो घर पे डेयरी फार्मिंग करती हैं, उसके बाद वो उसमें आगे डालती हैं, तो ही जाके इतनी बड़ी लार्ज स्केल यूनिट जो हनुमानगढ़ की है वह काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटे काम है, ये भी अपने आप में बड़े काम है अगर इनको ढंग से करें और इसमें महिलाओं को अच्छा सशक्तिकरण मिले, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स में मिल रहा है, तो वो काफ़ी आगे तक चली जाएंगी। ऐसा कोई ये छोटे उद्योग नहीं। मैम आपकी बात सही है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं, और आपका उद्योग केंद्र बैंक से लोन भी दिलवाता है मेरे ख्याल से, कुछ बैंकों से आपका टाइप है, तो उन योजनाओं का लाभ महिलाएं नहीं ले पाती, बड़े स्किल पे बड़ा उद्योग नहीं स्थापित कर पाती, कोई ऐसा रिस्क लेने से डरती है या योग्यता की तो कोई कमी नहीं होती मेरे ख्याल से? नहीं, योग्यता की कमी नहीं है, और जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं ने जैसे अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में काम किया है, जैसे कि जाली मेकिंग की इंडस्ट्री काफी बड़ी है, उसका हमने एक बार पीएमईजीपी फर्स्ट लोन किया था जो कि 25 लाख का था, अब सेकंड लोन किया है जो कि 74 लाख है, वो महिला जो प्रधानमंत्री महिला के नाम पर है। ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है। मैं मानती हूँ कि ऐसी महिलाओं की संख्या कम है जो कि बहुत बड़े उद्योगों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, पर जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े उनका नाम हो। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर काम करके खुद ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसको वो आगे लाते हैं। इवन उससे क्या होता है कि वो पूरा गांव जो है वो आगे की तरफ अग्रसर होता है, उनमें एजुकेशन में भी सुधार आता है, हाइजीन में भी, सैनिटेशन हर चीज़ में, इवन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण में भी उनके बहुत ज़्यादा सुधार देखा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री हो, छोटी इंडस्ट्री पापड़ बड़ी उद्योग जो है वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे बीकानेर इनका हब है। तो ऐसे नहीं है कि बहुत छोटे उद्योगों में ही कर रही है और लाभ भी ले रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का और बहुत आगे अग्रसर भी हो रहे हैं। डॉक्टर दीपिका, मेरा सवाल आपसे है, केंद्र और राज्य सरकार की महिला स्वास्थ्य के लिए अनेक योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर देखें तो आज भी जो पुअर फैमिली हैं, गरीब परिवार हैं, उनकी महिलाओं की हेल्थ बेहद खराब है।
आपके दृष्टिकोण से इन योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जा सकता है? केंद्र और राज्य की जो भी सुविधाएं या योजनाएं आती है ये यहाँ पर लागू नहीं हो पाती। इसका एक तो मेन कारण मैं समझती हूँ कि लोग बाग यहाँ पे फ्री का बेनिफिट ज़्यादा उठाना चाहते हैं, प्लस इसमें बीच में बहुत सारी चेन टाइप कुछ बन जाती है। अगर मैं ये समझूँ कि जैसे अगर जो सुविधाएं उपलब्ध कराएं वो आप एनजीओ लेवल या उस लेवल से गांव तक पहुँचाएँ तो उसमें हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो सुविधाएं तो बहुत अच्छी सारी दे रखी है। आज प्रेगनेंसी वुमन के लिए गाड़ी लेने जाती है गांव तक, उसको लेके आती है, उसको इतने सारे गिफ्ट्स भी देते हैं, लेकिन महिला खुद चाहती ही नहीं है कि वो ये सब बेनिफिट ले। तो गांव वाले उनको ये कह देते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होना है, वहाँ तो आपका पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ पे डॉक्टर होगा या नहीं होगा गवर्नमेंट में। राज्य और केंद्रीय की जो सुविधाएँ हैं उसे पूरी तरीके से अगर हमें यूज़ करना आना चाहिए तो उसके लिए कोई हमें एक जरिया बनाना पड़ेगा। वो जरिया मैं समझती हूँ या तो एनजीओ हो सकता है जो गांव में जाए जहाँ पर साक्षरता नहीं है, उनको ये बताए कि भाई ये फैसिलिटी सब गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है और आप प्लीज़ आइए। प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध है। तो ये उनको ये जानकारी देने के लिए हमें एक बीच में कुछ माध्यम बनाना पड़ेगा तो ये सुविधाएं उन तक पहुंच पाएगी। डॉक्टर दीपिका, आपका कहने का मतलब है कि सरकार इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में विफल रहती है? प्रचार प्रसार वो जो करती है वो ऊपरी धरातल पर ही रह जाता है, क्योंकि अपने यहाँ पे गरीबी जो है पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, तो चूंकि हर जगह तक पहुँचना या गाँव में पहुँचना मुश्किल रहेगा सरकार के लिए, तो इसके लिए आप कोई एक माध्यम एनजीओ या कोई महिला सशक्ति कुछ केंद्र ऐसा कुछ स्थापित करें वहाँ के वो नॉलेज गेन कर पाए या वो वहाँ जाके समझाए कि भाई सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में भी सब बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और आप उन्हें लीजिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जितना बजट मुझे लगता है इन दिनों आता है वो किसी भी सेक्टर के लिए सरकार नहीं प्रोवाइड करती है। मेरी जान में यही लगता है। आपसे सवाल है कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत खराब है। वही दकियानुसी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा उनके जीवन का प्रथम उद्देश्य आज भी नहीं बन पाया है। उदाहरण के लिए बात करें तो आज भी महिलाओं को वहाँ डायन समझकर पत्थरों से मारा जाता है। प्रत्येक सरकार आती है और महिला सशक्तिकरण के दावे करती है, मगर क्या माने कि सरकार की योजनाएं देश के हर भाग में लागू नहीं हो पा रही? सरकार जो है महिलाओं के लिए काफ़ी सोचती भी है, काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन ये योजनाएं जितनी सैद्धांतिक रूप से जितनी अच्छी लग रही हैं उतनी व्यवहारिक रूप में मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे उनमें उतना काम जो है नहीं हो पा रहा है। व्यवहारिक रूप में ये है कि सरकार उनका उन चीज़ों का पीछा करना चाहिए कि हमने जो योजना बनाई वो समाज में कहाँ तक जो है वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उसमें कुछ कमियाँ आ रही हैं, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं तो उसके सुझाव लिए जाने चाहिए। जो प्रबुद्ध जो महिलाएं हैं, जो पहले से बुद्धिजीवी वर्ग है, किसी उन लोगों को जोड़ना चाहिए इसमें और उनसे पूछा जाना चाहिए कि वास्तव में इसमें व्यवहारिक रूप में क्या परेशानी जो है सामने आ रही है। उन परेशानियों पर अगर जो सरकार है फोकस करे, और जैसे मैडम ने कहा कि जागरूकता, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें जागरूकता का रहता है। दूसरा ये है कि जो हमने योजना बना के छोड़ दी उसका फिर सरकार पीछा भी करे कि वो कहाँ तक जो है सफल हो रही है, क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो लोग उसमें अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या उत्तरदायित्व तो भी इसमें निर्धारित होना चाहिए ताकि जो है व्यवहारिक रूप से भी जो है उतनी कारगर साबित हो सके। आपका कहने का भाव अर्थ है कि सरकार जो योजना बनाए उस पर निगरानी करे बात में। लक्ष्मी मैम, मेरा आपसे सवाल है, न्यायिक सेवा की बात करें तो पहले महिलाओं की भागीदारी नाम मात्र हुआ करती थी, लेकिन जब से 3 साल के कोर्ट प्रैक्टिस की शर्त को हटाया गया है तब से डायरेक्ट एग्जाम के बाद इस प्रोफेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। क्या कारण है कि महिलाएं आज भी वकालत व्यवसाय में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाती, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती? क्योंकि महिलाओं का कार्यक्षेत्र हमेशा से ही घर रहा है। जब लड़की अपने घर में जब पढ़ाई करती है तब वह घर के अंदर रहती है, जबकि इसी वकालत के पेशे में जो भी पुरुष होता है वो समाज के अंदर खुले रूप से घूमता है तो उसके क्लाइंटेज उस तरीके से ज़्यादा बढ़ती है। लड़कियों का पढ़ाई में ज़्यादा रुचि होने के कारण वो LLB की डिग्री करके RGS देना प्रेफर करती हैं, APO PO की पोस्ट लेना प्रेफर करती हैं, LA की पोस्ट लेना प्रेफर करती हैं। जब उस सभी क्षेत्र में वो नहीं कामयाब हो पाती हैं, उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है
तो 50% स्त्रियों को उनके ससुराल वाले इस बात के लिए अलाउ नहीं करते। उसके बाद भी जो मेहनती लड़कियां हैं वो भी वकालत के पेशे में अब काफ़ी आ गई हैं। इस बार पीछे के जुडिशरी के आरजेएस के जो रिजल्ट रहे हैं उसमें 70% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी समाज में महिलाओं के लिए उनका सकारात्मक पहलू है। अच्छी बात है। डॉक्टर दीपिका, अधिकांश महिलाएं डॉक्टर बनती हैं, प्राय देखा गया कि महिलाएं या तो गायनोलॉजिस्ट बनती हैं या फिर एनेस्थीसिया, मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो महिलाओं का इसमें अभाव नजर आता है, जबकि देश की हालत ये है कि कुपोषण की शिकार महिलाएं ज़्यादा होती हैं, या यूं कहें कि बॉडी के कॉम्प्लिकेशंस महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पहले की स्थिति थी कि पहले जो लड़कियाँ हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट बनना प्रेफर करती थी और वो ये सोचती थी कि ये महिलाओं का काम है, इसीलिए आज ये स्थिति नहीं है। आज आप पिछले 10 साल के पीजी के रिकॉर्ड्स देखिए तो महिलाएं एक ऑर्थोपेडिक्स को छोड़ के सभी फैकल्टीज़, ऑफ्थल्मा हो चाहे ENT हो चाहे साइकेट्री हो चाहे मेडिसिन हो, सब में इक्वली पार्टिसिपेट करती है। पहले ये था कि महिला है तो गायनोकोलॉजिस्ट बनेगी, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे अगर किसी के घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो वो गायनोकोलॉजिस्ट बनना प्रेफर करती है कि मैं इससे अपने फैमिली को ऊपर ला सकती हूँ। लेकिन आज की जनरेशन की जो सोच है वो इतना बिजी रहना पसंद नहीं करती। इवन मैं अपने ही घर में बात करूँ तो मेरे दो बच्चे अभी MBBS कर रहे हैं, तो उनको कभी भी पूछो तो माय डॉटर इवन वो नहीं बनना चाहती है गायनोकोलॉजिस्ट। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी है कि महिलाएं ही कुपोषण का शिकार क्यों हैं, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो अगर वो वर्किंग वूमन है तो वो एक ड्वेल पर्सनालिटी रोल प्ले करती है, वो बाहर भी काम करेगी और घर पे तो करना ही पड़ेगा, ऐसा अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार लगता है मुझे कि उसे घर देखना ही पड़ता है, तो वो अपने आप का ध्यान नहीं रख पाती है दोनों में उलझकर, तो उसको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B, D, कैल्शियम ये सब हो जाता है। जब वो एकदम ज़्यादा ही हो जाता है तब वो उसके बारे में सोचना शुरू करती है और तब वो सप्लीमेंट लेना शुरू करती है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि कितनी भी एजुकेटेड महिला हो वो अपना प्रॉपर कैल्शियम इनटेक वगैरह कैलोरीज और उस हिसाब से लेती हो। तो एक रीज़न ये लैक ऑफ नॉलेज या बिजी पर्सनालिटी की वजह से भी हो सकता है कि उसको बाहर घर बच्चे और मार्केट चारों में रोल पैदा करना है। तो गायनेकोलॉजिस्ट वाली बात तो आजकल मुझे नहीं, आप बता रही हैं कि ऑर्थोपेडिक्स नहीं बनना चाहती है, उसका क्या? ऑर्थोपेडिक्स में ये है कि आप एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए आप दिन रात और उसके अंदर थोड़ा सा पावर भी चाहिए, आप अगर एक हड्डी को जोड़ना है करना है उसमें एक ऑर्थोपेडिक्स में अभी थोड़ी कम है लेडीज, उसके अलावा एक भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं है। संजू बिश्नोई, महिला उत्पीड़न पर राज्य और केंद्र के विभिन्न कानून बने हुए हैं और व्यवहार में भी लागू हैं, केंद्र व राज्य सरकारों ने स्पेशल कोर्ट भी बना रखी है, लेकिन महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में आज भी कमी नहीं हो पाई है, क्या माना जाए अपराधियों में कानून का भय नहीं है या कानून में ही खामियां हैं? इसमें मेन दो बातें काम करती हैं, एक तो ये है कि कानून में, हालांकि कानून जो है बना दिए गए हैं बहुत अच्छे स्तर पर बनाए गए हैं, लेकिन उनका जो आगे क्रियान्वयन हो रहा है या यूं कहेंगे जैसे जुडिशरी में चला जाता है कोई मामला तो वो काफी सालों तक लटकता वो अपने जो है आखिरी जो है उसका रिजल्ट आता है। तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको अगर जल्दी सजा नहीं मिलेगी तो समाज को कोई उसका मैसेज नहीं जा रहा, अगर 10 साल बाद उसको 10 साल की सजा हो रही है तो लोग तो उस घटनाक्रम को और उस चीज को भूल चुके हैं, उसके बाद उसे अगर अपने 10 साल की सजा दे रहे हैं तो उसका वो प्रभाव समाज पे नहीं पड़ेगा। तो इस सिस्टम में अगर थोड़ा सुधार हो कि जो सजा का जो प्रावधान है वो जल्दी हो सके तो उससे काफी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा फैक्टर ये है कि महिलाएं जो हैं आज अपने स्तर पर जो हैं जागरूक भी हुई हैं, कुछ सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं या हमें हर जगह जो है उपलब्धियां मिल रही हैं तो उस वजह से हम लोग जागरूक हुए हैं, तो काफी फील्ड्स में आगे आई हैं महिलाएं, तो अब वो जो है अपनी स्थिति जो पहले वाली जो स्थिति से उससे उभरना चाहती हैं तो वो संघर्ष कर रही हैं। उस संघर्ष की स्थिति में क्या है कि उसका जो है वो अपने परिवार से भी जो है
उसे तालमेल बिठाना पड़ता है, समाज से बिठाना पड़ता है, तो हर जगह समाज उसको दबाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर निकलना चाहती है। तो उस वजह से क्या है कि जैसे जैसे परिवार में जैसे तलाक की स्थिति आ गई या गृह क्लेश की स्थिति आ गई तो उसमें महिला को दोषी करार दे दिया जाता है, जबकि महिला को जैसे सरकार ने दहेज के संबंध में जैसे कानून दे दिया तो वो जाके मुकदमा करवाएगी। तो उस वजह से गृह क्लेश की स्थिति में क्या होता है कि महिला जो है वो तो अपना स्थान जो चाहती है वो उसे मिल नहीं रहा और पुरुष जो है वो उसे देना भी नहीं चाहता। तो उस वजह से क्या है कि ये कानून मुकदमेबाजी जो है उस वजह से ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, कई बार गलत मुकदमे भी ज्यादा ही फेवरेबल महिलाओं वाले रूल्स बनाने के कारण हो जाते हैं। उसके भी बहुत सारे कारण भी हो जाते हैं दोनों पारिवारिक में। आपसे सवाल करना चाहूंगा, राजनीति में महिला आरक्षण के द्वारा पंचायत नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को भागीदारी मिल गई है, मगर विधानसभा में देखें या लोकसभा में देखें, विधान परिषद में देखें, तो आज भी महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिला है। सर एक्चुअली क्या है कि वहां पर जो है ना पुरुष डोमिनेट कर जाते हैं, आरक्षण दे दिया गया है, वहाँ पर भी यदि महिला सरपंच बनती है काम उसका पति करता है, यदि वो डायरेक्टर बनती है तो उसका पति करता है, तो वहाँ तक तो वो एक्सेप्ट कर लेता है समाज। नगर परिषद में भी यही है, वो काम करना चाहती है उसको काम करने दिया ही नहीं जाता। पहली बात तो उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही मेन माना जाता है। कोई भी महिला यदि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी छोड़ती है तो समाज उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता। यदि वो अपने बच्चों की तरफ केयर करे, अपने बड़ों की तरफ केयर करे, आदमी घर आए तो उसको खाना मिले प्रॉपर तरीके से, उसकी रात तक केयर हो, सुबह सबसे पहले उठे सबसे लेट वो सोए, ये हम मान के चलते हैं। तो उसके साथ जो ये बाकी जो है ना नगर परिषद और अपने गांवों में वो वहाँ तक चल जाता है। यदि वो MLA बनना चाहती है, इतना सपना ही नहीं लोग लेते, लोग चाहते ही नहीं कि महिलाएं इतनी आगे बढ़े। तो इसलिए जब भी महिला आरक्षण की बात आई है ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको खत्म कर दिया, वहीं की वहीं कानून बनने नहीं दिया गया और वहीं पर सीमित कर दिया गया उसको। कोई भी पार्टी नहीं चाहती है, कोई पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष चाहता ही नहीं कि महिला जिस दिन राजनीति में आएगी तो हमारे छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि महिला ईमानदार भी है, महिला मेहनती ज्यादा है, महिला आगे बढ़ाने के लिए राजनीति को वो दे सकती है, उसमें काबिलियत है, लेकिन फिर भी उसको नहीं। प्रधान समाज है तब पुरुष की मानसिकता को चेंज कैसे करेंगे आप? एक्चुअली सर पुरुष को क्या करना होगा, ये जो हम महिला और पुरुष डिवाइडेशन कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। पुरुष को समझना होगा महिला कोई अलग से पार्ट नहीं है, मेरी साथी है, जिससे सिस्टम क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। और महिला को भी यही समझना है कि मुझे उसे निम्न स्तर नहीं करना, ना मुझे उससे श्रेष्ठ साबित होना है, संतुलन बिठाना है। पुरुष और महिला में संतुलन बिठाना ही सशक्तिकरण है। संतुलन बिठाने की योग्यता महिला को पैदा करनी होगी अपने आप के अंदर, और ये शिक्षा से होगी बिल्कुल कि बराबर। आज की हालत ये है, यदि हम स्कूलों का परिणाम देखें या कॉलेजेस का परिणाम देखें तो लड़कियां ज़्यादा मार्क्स ला रही हैं, उनका 5% उनका टॉपर का परसेंटेज ज़्यादा है, तो उनमें काबिलियत साबित कर रही है और पुरुष समाज उसको उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पर ये इसका मेरा ये मानना है कि जैसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला के भी लेकिन उनमें अहम भावना भी ज्यादा आ गई है, संस्कारों आज संस्कारों की कमी की वजह से लड़की बहुत अच्छा पढ़ के वो ये सोचती है मैं सुपर पावर हूँ और मुझे घर पति उससे कोई लेना देना नहीं, इससे इसको मतलब ये उनकी मेंटालिटी बन, मतलब महिलाओं की स्थिति के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार हैं, यही जिम्मेदार है मेरा ये मानना है, महिलाओं की स्थिति के लिए महिलाएं। थोड़ी सी बात ऐड करना चाहती हूँ जो कि समाज में संतुलन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ी लिखी तो चाहिए हमें, वो हर चीज में आगे चाहिए, लेकिन वो जमीन से हट नहीं सकती है, नहीं तो हमारे परिवारों का विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा और आगे की जनरेशन सही नहीं चल पाएगी। आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, समाज को संस्कार काम है, लेकिन घर को भी उसमें क्या है, सिर्फ एक छोटी सी बात है, माँ की बात आई थी, माँ बच्चे लड़के को भी ये समझाए कि तेरी भी कुछ ड्यूटीज हैं। अब तक हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें दोनों बच्चों को चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो उसको उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा ये मानना है सिर्फ माँ माहौल बदलना शुरू कर दे परिवार का, अपने बेटे और बेटी को इक्वल परवरिश देनी शुरू कर दे, वो सब देते हैं, वो सब देते हैं, उससे नहीं होगा। जरूरी है नहीं, वो सब चीज ठीक है, मेरा सबसे पहले तो ये मानना है आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो लेकिन आप अपने बच्चे को अपने धर्म का जरूर उसको सिखाएं,
अगर ये धार्मिक संस्कार आप उसमें नहीं देंगे तो वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी कुछ भी कर ले, उसमें कभी भी मैनर्स आएंगे ही नहीं, मैनर्स आएंगे ही। उसको मैनर्स तो सिखाना आप आजकल मॉडर्निज्म की वजह से माँ बाप खुद धर्म ध्यान नहीं करते हैं घर में, उसकी वजह से उनके बच्चे तो सीखने का सवाल ही नहीं है। आज मैं अपने बच्चे को, मेरे माँ बाप ने मुझे, अगर उनको 100 आता है, उन्होंने मुझे सिखाया, मैं 50 अप्लाई करती हूँ, मैं मेरे बच्चे को 50 सिखाऊंगी, वो 25 अप्लाई करेंगे, पर वो 50 सिखाने ही नहीं चाहते हैं। वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ इतना ज़्यादा मुड़ गए हैं कि उनको पूरा वही कल्चर पसंद आ गया आजकल। इजी टू मेक फूड, बाजार से लाया, जल्दी ग्रैब किया, घर में कुकिंग करना ही नहीं पसंद, बच्चे को पूरा फास्ट फूड इसीलिए पसंद है। आप घर में अगर घर की सब्जी और रोज बनाएंगे तो बच्चे को अगर टेस्ट ही डेवलप नहीं है बाहर के खाने का। मैम अपन इसको एक और है, जैसे इंटरनेट मोबाइल है, क्या इन चीजों को भी अपन जिम्मेवार नहीं मानते? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, हम पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, तो इसको जो है अपने पेरेंट्स को ही कॉपी करते हैं। अगर आप घर जाने के बाद में अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड में रखिए और अपने आप बच्चों से बात कीजिए, आपके उनका डेली का आप रूटीन सुनिए, या उनके साथ आप खेलने के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स कीजिए, तो बच्चा कभी मोबाइल उठाएगा ही नहीं। आप अगर बच्चों को टाइम दिए, बिल्कुल देना चाहिए। और तीसरा, मल्टीमीडिया मोबाइल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ उनको एक लिमिटेड आवर्स के लिए कीजिए, बच्चों के सामने तो मुझे लगता ही नहीं कि मोबाइल यूज करना चाहिए। इवन मैंने यूज करती हूं, आज के युग में ये संभव उतना नहीं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। अभी वक्त हो चला ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है, ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूप रेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। महिला दिवस पर आयोजित इस परिचर्चा में स्टूडियो में मेरे साथ उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुमन चावला, जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक श्रीमती आकाशदीप सिद्धू, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी बिड़ासरा, पुलिस निगरानी समिति के सदस्य एवं डॉक्टर दीपिका जैन, अध्यापिका श्रीमती गीता अरोड़ा तथा पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर श्रीमती संजू बिश्नोई। मेरा सवाल आकाशदीप मैम आपसे है, महिलाओं की बुरी स्थिति के लिए आमतौर पर आदिवासी समाज को इंगित किया जाता है कि साहब क्या है, आदिवासी लोग हैं ये, इस तरह से। मगर शिक्षित वर्ग में भी अपन देखें तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महिलाओं को पैरों की जूती समझते हैं। जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसा कि अपन अभी बात कर रहे थे कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका उन्हें नापसंद करने लगता है, मेरा सवाल है कि अभी तक ऐसा कोई सामाजिक व्यवहारिक महिला उत्थान कानून क्यों नहीं बन पाया? कानून का मेन यही है कि अपने यहाँ जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, वो चाहता ही नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़ें। और इवन महिलाओं में भी थोड़े बहुत ऐसा सेक्शन है जो खुद भी नहीं चाहता कि हम आगे आएं। तो उससे क्या होता है कि वो ऐसा प्रेशर ही नहीं डेवलप कर पाते जो उसको सामाजिक तौर पर महिलाओं को आगे ला सके और उसके लिए कोई ना कोई कानून बना सके। और जितने भी कानून जैसे बने, जैसे दहेज प्रथा का कानून बना है और कानून बने, उनका नेगेटिव यूज़ भी होने लग जाता है। और नेगेटिव यूज़ चाहे कम हो पर उसका प्रचार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हर एक को फिर उसी ही पैमाने से मापते हैं जिससे कि नेगेटिव को मापा जाता है। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं की स्थिति जो है वो पहले जैसी ही रह जाती है, ये इवन कई बार वो बैकफुट पे भी चली जाती है। इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ बीच में, आमतौर पे क्या होता है कि महिला की शादी की एज गिनी जाती है। हर पेरेंट्स ये सोचता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उसे शादी करनी है और उसके बाद वो अपने घर जाए, जो मर्जी करे, वो ससुराल वाले कराएं। तो उसके कारण से क्या होता है कि एक लिमिटेड एजुकेशन ले पाती है और बच्ची को शुरू से एक सिखाया जाता है कि तूने घर में ये करना है। आमतौर पे जो अब मनमुटाव हो रहे हैं घरों में या टूट रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण भी यही आता है कि हम लोग बच्चों को एक्सपोजर तो दे रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं।
तो आमतौर पे ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि जहाँ पर वो जाके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि महिला के कुछ फर्ज हैं वो करे, पुरुष करे ना करे, वो एक संस्कार देने की कोशिश ही नहीं करते हम लोग। तो मैं ये मतलब वहाँ पर यदि 30 साल की एज लड़की की हो गई या 25 साल के बाद यदि बढ़ती है तो वो समझते हैं कि उसको प्रॉपर लड़का नहीं मिलेगा, लड़के को लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात के बारे में कम सोचते हैं, तो उसका वही एंड हो जाता है करियर का। महिला जब भी बात करती हैं, जैसे आकाश की मैम ने अभी ये कहा कि पुरुष चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े, तो एक पिता जो है वो भी पुरुष होता है, एक भाई है वो भी पुरुष होता है, तो क्या वो अपनी बहन को अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ाते? नहीं, बढ़ाने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर लिमिट एक एज के साथ आ जाती है, उसको लगता है कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी उसको मैरिज करना है, और उसके बाद वो बढ़ाते हैं। यदि उसका उसको हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, ससुराल की फैमिली करती है, तो वो अच्छी बात है, वहां पर वो करते हैं तो वो महिलाएं आगे भी बढ़ती हैं। सर इसमें वहां पर इसमें एक जो सामाजिक जो पुराने टाइम से एक धारणा चली जा आ रही है कि लड़की जब पैदा होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, शादी होती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब थोड़ा एज होती है तो पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो पुरुष प्रधान समाज को लगता है कि महिलाएं जो है उनको किसी ना किसी संरक्षण चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं ना कि पिता क्या नहीं चाहता मेरी बेटी आगे बढ़े या भाई नहीं चाहता, उसका कारण क्या है? जैसे कोई प्रियंका रेड्डी की न्यूज आ गई, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी निर्भया की न्यूज आ गई, वो इतना डर जाता है, उसे लगता है अपनी बेटी को कैसे बाहर निकालूं। अब अगर उसी के साथ अगर आप नेक्स्ट न्यूज देखते हो, हिमा दास की न्यूज आ रही है, सानिया नेहवाल की न्यूज आ रही है, ऑटोमेटिकली समाज चेंज होता है, अपनी बच्ची को सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। तो मेरे ख्याल में जितनी प्रेजेंट टाइम में महिलाएं अचीवमेंट कर रही है, अगर उसे मीडिया के थ्रू आप सबके थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए, वातावरण को भयमुक्त बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या वो बहुत बड़ा अपमान होगा। सबसे बड़ी बात जो समाज के अंदर एक डर है खासतौर पर बेटी की सिक्योरिटी को लेकर, कि मैं अपनी बेटी को बाहर भेज रहा हूँ वो सुरक्षित है या नहीं, तो आप शिक्षा के साथ सेल्फ डिफेंस सिखाइए स्कूलों के अंदर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिर्फ एजुकेशन में, उन्हें इतनी ज्यादा सेल्फ डिफेंस गुण सिखाइए कि वो कहीं भी खड़ी हो जाए, कोई हवान सामने आ जाए खुद सामना कर सके, उसे देखना ना पड़े कि मेरा पिता आएगा या मेरा भाई आएगा या मेरा पति आएगा, इतनी खुद फिजिकली स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो बाहर जाने से उसे डर ना लगे, समाज को भय मुक्त बनाना पड़े। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और लड़कियां कर भी रही है, देखो जहाँ आपने यहाँ चल रहा है आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं या फिर आ रहा है, आत्म सुरक्षा के गुण आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आज कानून बनाएंगे कि उसको सजा दे दी जाए, लेकिन आप निर्भय के सामने देखते हैं 4 बार फांसी टल जाती है हमारे यहाँ, तो हमारा कानून जो है इतना कमजोर है, तो उसको कम से कम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको जो सजा मिले तो उसको मीडिया करे कि प्रमोट करे। यहाँ हैदराबाद में मैडम रेड्डी की बात हुई थी, वो वेटनरी डॉक्टर थी, शिक्षित थी, लेकिन वहाँ पर यदि उसकी स्कूटी पंचर हो जाती है और उसके साथ रेप हो जाता है, तो यहाँ पर सुरक्षित एक वातावरण हमें समाज में देना होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने लड़कों को संस्कारित करें और बराबर करें, ये नहीं कि लड़की को अलग महसूस कराएं, लेकिन उसके साथ क्या है कि लड़की को ये महसूस होना है, आमतौर पर क्या होता है कि जहाँ वो देखता है कि लड़की वीक हो रही है वहीं पर वो उसको करना है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, तो इस ह्यूमन नेचर को हम ट्यूनिंग करें शुरू से परिवारों में, एक सोच, तो उसकी सोच को थोड़ा सा बदले, तो वो चीजें इसके साथ साथ कानून में भी महत्व, सोच बहुत बड़ी बात है, अगर सोच परिवर्तित होगी तो सिस्टम भी अपने आप सही हो जाएगा, व्यवस्था भी सही हो जाएगी, सारी बात सही हो जाएगी। इसके साथ साथ कानून में भी मूलभूत परिवर्तन किए जाने आवश्यक है। आज का जो लॉ बन रहा है, कोई भी लॉ, पुराना लॉ देख लो नया देख लो, उसमें सारी की सारी जिम्मेदारी जो है अपने आप को या अपराध साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन की हो जाती है। एक तो पीड़ित वो पहले से है, उसे अपने खिलाफ किए गए अपराध को साबित भी उसी को करना है, जबकि किसी भी आप दूसरे देश का देख लो, अमेरिका का देख लो, यूके का लॉ देख लो, वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें साबित करनी है तो वो अपराधी को अपने आप को ना साबित करना होता है, यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति को अपराध साबित करना होता है। तो ये इस कानून के अंदर मूलभूत परिवर्तन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। समय समय पर वैसे अमेंडमेंट भी हो रहे हैं, समय समय पर हो रहा है, लेकिन जो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा। तो आपका कहने का मतलब आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सुमन मैम, मेरा सवाल आपसे है कि संयुक्त परिवारों की बात करें, संयुक्त परिवार से अब एकाकी परिवार में तब्दील हो गए हम लोग, जिसके कारण संतान का जो एकल संतान का व्यवहार भी माता पिता के प्रति तलख होता जा रहा है, वो एक तरह से व्यवसाय में बदल गया है, सब अपने स्वार्थ अपने सुख में डूबते चले जा रहे हैं, इस स्थिति से कैसे उभरा जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है इसको? अभी ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, जब हम एकल परिवार की तरफ जी रहे हैं, जो मैं महसूस करती हूँ कि मैं इस फील्ड में काफ़ी काम करती हूँ,
कि पहले जब बच्ची घर में आती थी, आप लड़के को ब्याह के लाते थे, तो आपको लगता था कि घर में लक्ष्मी आई है और अब उसको प्रॉपर संरक्षण भी देते थे। आज क्या है कि जो उसकी माँ है ना, उसको प्रॉपर संस्कार देने की बजाय एक मोबाइल हाथ में थमा दिया जाता है कि जरा सी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दो खबर। वीडियो कॉलिंग के कारण से उसको एक एक मिनट की खबर है, घर में क्या बन रहा है वो भी उसको उसकी माँ को खबर है। तो ये सब एक बहुत बड़ी समस्या है। और साथ में जब देखते हैं लड़की के लिए लड़का, तो एक देखा जाता है कि उसका जो है वो अकेला रहता है, क्या वो जॉब में है, प्रॉपर्टी तो उसको माँ बाप के मिले लेकिन उसके साथ साथ ये ना मिले कि वो उसको जिम्मेवारी भी मिले। तो ये जो संस्कार सिखाना है ये लड़की के माँ की, मैं कई बार कहती हूँ कि जैसी माँ है वैसी ही बेटी बनेगी। दूसरा कुछ हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं, हमें लगता है कि लड़के की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको 25 साल तक माँ बाप ने पाला है उसकी कुछ जिम्मेवारियां होंगी। लेकिन लड़की ये समझती है कि पहले दिन में आई सारा के सारा उसकी जो सैलरी है वो तो 1 तारीख को मेरे हाथ में आ जाए, साम्राज्य हो जाए यहाँ पे पूरे मुकाम मेरे हाथ में आ जाए और मुझे किसी का खाना बनाना ही ना पड़े। ये कुकिंग में भी नहीं सिखाया जाता। एक मैंने देखा है कि हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि पढ़ाई तो जब कराते हैं उसको आगे बढ़ना तो सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद वो 9 बजे घर में सो रही है, 10 बजे उठ रही है, तो उसको कोई वो लेना देना, रात को लेट सो रही है और सवेरे 9-10 बजे तक जाग ही नहीं रही है तो माँ उसको कहती नहीं। जब वही आगे जाके प्रॉब्लम आती है तो आजकल क्या हो रहा है कि माँ बाप लड़के की शादी करते हैं वो सोचते हैं अलग ही रहे, क्यों केस होंगे, चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि एक कानून अभी जो बात आ रही है कानून में केस कर दिया जाता है, सीधा माँ बाप पे सबके नन सबके नाम लिखा दिया जाता है, तो परेशान हो जाता है। इसके पीछे मैं एक मेन कारण मानती हूँ, लेट एज मैरिजेस। एक पहले जो मैरिज की एजेस थी 18-20 साल वो एकदम सही तरीका था शादी करने के लिए, क्योंकि मैं मेरा ये मानना है कि उस एज पे आप जैसा चाहो वैसा बच्चे को ढाल सकते हो। आज आप 30 साल में उसकी शादी करते हो, उसकी मैच्योरिटी लेवल इतना हाई हो चुका है कि उसको परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता है। तो मुझे तो मेन रीज़न जो है, आजकल जो गर्ल्स संयुक्त परिवार में नहीं रह पाती, इसका मेन रीज़न जो है वो लेट एज मैरिज। एक दूसरा आमतौर पर ये भी देखते हैं आजकल तो रिश्ता करते हुए ये भी देखते हैं कि कहीं लड़की को, हमारी लड़की को जाकर के ससुराल में काम नहीं करना पड़े। पहली बात तो सास होनी ही नहीं चाहिए, उसका चित्र जो है वो दीवार पे टंगा हुआ मिलना चाहिए। तो ऐसी भी सोच, अगर सास है तो आप एकदम फ्री रह सकते हो, आपको कहीं पर भी जाना है तुरंत जा सकते हो, आपको घर की जिम्मेदारी नहीं है, पीछे कौन खाना बनाएगा नहीं बनाएगा कैसे भी निकल सकते, सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक पहलू। और ये ही पहलू वापस धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि जो अब जो सिंगल पेरेंट्स और सिंगल जो कपल्स रहने हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फ्यूचर इन फ्यूचर मुझे वापस लगता है कि शायद संयुक्त परिवार वापस आए। नहीं, इसका एक कारण और भी है कि जैसे जॉब्स करते हैं दोनों जने, तो अगर माता पिता घर है तो बच्चे को सर्वेंट्स मिल नहीं रहे और सर्वेंट मिले तो आप नहीं कर सकते। आप इसलिए चाहिए कि बच्चों को कौन संभालेगा, ये बात नहीं है, और भी सब चीज है। आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपको अगर तुरंत कोई, आप जिम्मेदारी के साथ उनके साथ रहिए, माँ बाप के घर पे भी तो माँ बाप के साथ ही रहते थे, तो फिर यहाँ पर भी तो वही माँ बाप है। मतलब भावनात्मक लगाव नहीं रहा, संवेदना नहीं रही, संवेदना नहीं, वो संवेदना इसीलिए खत्म हुई ना। आप एट द एज ऑफ 30 आप शादी कर रहे हो तो उसके दूसरी फैमिली के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो। उस समय आपका मेंटल लेवल इतना मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है कि यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग बियॉन्ड दैट। वो मेंटली लेवल जो है वो आदमी को सेल्फिश बनाता। आप डॉक्टर हैं, मतलब 30 साल की उम्र में आदमी ये सोचता है कि अपने बारे में सोचता है, उसका लाइफ जीने का जो तरीका होता है ना वो ऑलरेडी मोल्ड हो चुका है, आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते हो। वो रोज जितने बजे उठती है उसका सेटअप सेट हो चुका है। आप एक 18 वर्ष करण को कि महिला को कैसे ढाला जाए, नहीं उसमें ये कारण नहीं है। लेट एज मैरिजेस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 30 एज से नीचे लेके जाओगे तो बच्ची पढ़ नहीं पाएगी, उसके पेरेंट्स नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पढ़ सकते हो। मैं मेरी बात करती हूँ, मैंने शादी के बाद ही पूरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD किया है, MSc किया है, पहले मैं MSc केमिस्ट्री से थी। ऐसा कोई बात नहीं, आप दोनों मेंटेन कर सकते हो। साथ मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को अपने को एक्सेप्ट करना हो कि हम आप बैलेंस बना के चलिए, फैमिली एजुकेशन। उसी सवाल पे आते हैं, मैं आपसे सवाल कर सर, आज की हालत ये है कि जब सही बात है कि 30 में जब उसकी शादी होती है तो लड़के को वो नाम लेके ही पुकारेगी, जो पहले की संस्कृति थी वो नहीं हो सकती, वो उसको तुम ही कहेगी,
तो वो क्या होता है कि बराबरी का अधिकार तो आया, लेकिन एक संतुलन जो परिवार में होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो हमें दोनों को एक मिलाना होगा। वो लड़की कामकाजी है, अच्छी बात है, सास भी उसको एक्सेप्ट करेगी। हमने बहुत सारे घरों में देखा है। सुमन मैम, तुम तो चाहे 20 साल की लड़की की शादी करेंगे तब भी वो तुम ही बोलेगी। जब छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को यार बोलने के, यार मम्मा, तब फिर वो सारी बात है। हमें अपनी संस्कृति को खत्म नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति को वापस कायम करना है। सास में भी थोड़ा परिवर्तन आए, बहू में बिल्कुल, दोनों बेटे में भी आए, पिता में भी आए, सभी में आए, उस स्तर तक पहुंचे। ये नहीं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, सुधरो। इसके लिए एक और बड़ी सोच जिम्मेदार है, उसमें जब हमारे बेटी होती है तब हम उसे बचपन से बताना शुरू कर देते हैं कि तू हमारी बेटी नहीं, बेटा है, और बेटे की तरह उसको बड़ा किया जाता है। जब वो दूसरे घर में जब जाएगी तो एक बहू बनेगी, नहीं कि वहाँ पे बेटा बनेगी। तो सबसे बड़े एक वो ना तो बेटा बन पाती है ना वह बेटी रह पाती है। दोनों बातें सिखानी चाहिए। इससे मिलता जुलता सवाल है मेरा आपसे कि आधुनिक दौर में देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न परीक्षाओं की बात करें या किसी जॉब की बात करें, लड़कियों ने हमेशा योग्यता साबित की है, फिर भी उसे वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। मेरा सवाल है कि पुरुष प्रधान समाज की सोच को कैसे बदला जाए, जैसे अपन बात कर रहे हैं, सोच की बात आ गई, कैसे बदले सोच को? सर, पुरुष प्रधान की सोच को बदलने की, जैसे अभी मैम ने बोला कि क्योंकि पुरुष प्रधान में पिता भी आता है, पति भी आता है, ससुर भी आता है, भाई भी आता है, और जो समाज के हमारे गणमान्य नागरिक होते हैं वो सब भी आते हैं। अगर आप उनकी सोच को बदलना चाहते हो तो लेडीज को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये समझ लिया कि मैं अकेली रहूंगी, मैं नौकरी करूंगी अपनी और अपने हिसाब से वेस्टर्न ड्रेसेस को वेयर करूंगी। हम अपनी ड्यूटीज नहीं समझ पा, फ्रीडम तो ले रहे हैं लेकिन जिसकी वजह से पुरुष डर जाता है। पिता को लगता है ज्यादा पढ़ा दूंगा तो कल को शादी के बाद दिक्कत आएगी। ससुराल सोचता है मैं ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा ससुराल जो परिवार है वो टूट जाएगा पढ़ी लिखी लड़की लेकर आऊंगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लड़कियों की कि वो अपनी ड्यूटीज को और राइट्स को इनमें बैलेंस करें। ऑटोमेटिकली ससुराल भी एक्सेप्ट करेगा और मायका भी एक्सेप्ट करेगा। आप उन दोनों में जब बैलेंस बना पाओगे, और एक चीज आपने बोली कि मोबाइल का यूज करना बहुत ज्यादा, कि अपने मायके को एक एक चीज बताना, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता जा रहा है जिससे हस्बैंड भी डरता है कि मेरी वाइफ को मैं मोबाइल दूं या नहीं दूं क्योंकि वो इस चीज से दूर भागकर दूंगा तो क्लेश शुरू हो जाएगा। तो लेडीज को बैलेंस करना सीखना होगा एजुकेशन के साथ, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, मेंटली अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना होगा कि समाज उसे सशक्त महिला के रूप में एक्सेप्ट कर सके, डरे ना एक्सेप्ट करने से कि नहीं नहीं ये तो सशक्त है, ये मेरा घर नहीं संभाल पाएगी, ये तो समाज में बैठ कर ऊंची आवाज में बोल सकती है लेकिन मेरा घर नहीं हैंडल कर सकती। तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, औरतों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें समाज को खुद आगे आके बदलना होगा, मिसाल कायम करनी होगी, तब जाकर परिवार और समाज उनको सपोर्ट करेगा और हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। हर पुरुष जो है ना, चाहे वो बाप के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे बेटे के रूप में हो, सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन बात वहीं की वहीं आ जाती है कि वो सारा दिन एक सुबह से उठ के काम करें, उनकी भी पूरी करें बात को और साथ में काम करें। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि पुरुष भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग आमतौर पर ये मान के चल गए कि घर संभालना सिर्फ औरत का काम है, यदि पुरुष के साथ समय है तो वो भी सब्जी कटवा सकता है और खाना बना सकता है, ऐसी बात नहीं, बनवा सकता है उसके साथ। तो थोड़ी जिम्मेवारी एक्चुअली क्या है कि दोनों को कंधे से कंधा मिला के चलना है, साथी बन के चलना है, तो पुरुष भी अपनी जिम्मेवारी मानेगा तो ही समाज इकट्ठा चलेगा। औरत पुरुष बनने की कोशिश करेगी तो समाज रॉन्ग वे में जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है वेस्टर्न साइड में और हर जगह पर, हर औरत को पुरुष बनाया जा रहा है, उसे औरत नहीं बनाया जा रहा आजकल, तो और हो गया वो पगड़ी पहन के जा रही है, घोड़ी पे चढ़ रही है, शेर हो है। तो उसे पुरुष ही बनाना, ना निमंत्रण ना श्रेष्ठ, इक्वल बैलेंस बनाना, बैलेंस बैलेंस संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा समाज, तो ही समाज करेगा। संजय मैम, मेरा सवाल आपसे है, अपन जिला मुख्यालय की बात करें तो लगभग आधा दर्जन पुलिस थाना यहाँ स्थापित है। देखा है कि सबसे ज्यादा फरियादियों की तादाद अपन जिला थाने में जाते हैं तो वहाँ क्राउड होता है, भीड़ होती है। क्या माना जाए कि महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न बढ़ गया है, या सरकारी एजेंसी अपने काम के प्रति सजग नहीं है? उत्पीड़न की जैसे आप बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो दिक्कतें जो पारिवारिक, जैसे मैडम ने अभी कहा कि जो संतुलन नहीं बैठ पा रहा है,
उस वजह से क्या है कि ये चीज़ें जो है जैसे दहेज के मुकदमे हैं और ये चीज़ें थानों तक पहुंच रही हैं, जो सामान्य तौर पर घर पे बात करके बातचीत करके आपस में जो है कम्युनिकेट करके पति पत्नी मतलब अपनी समस्याएं जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं बैठ के, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी उनको सपोर्ट करें और उस तरीके से ये सॉल्व हो सकती है। लेकिन क्या है कि कानून का थोड़ा सहारा मिल गया और कुछ लोग जो हैं अपनी ईगो के लिए भी कि ठीक है भाई ये लड़के वाले हैं और ये हमारी लड़की को जो है सुबह जो है 5 बजे उठाते हैं 6 बजे उठाते हैं, ये नहीं उठेगी ये नहीं करेगी, एक फैक्टर तो वो भी है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि लड़की जो है अब पहले की तरह नहीं रही कि ठीक है भाई 5 बजे उठ के मैं घर का भी सारा काम करूं, उसके बाद मैं जॉब भी जाऊं, फिर शाम को आके भी फिर से वही सारा सिस्टम करूं, उसको पुरुष कोई उसको घर का सपोर्ट नहीं कर रहा, पति जो है उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी दोनों के तालमेल में जो है वो समस्या आ रही है। तो वो जो गड़बड़ बढ़ते 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 फिर वो थाने तक पहुंच जाती है वो बात, तो उसका समाधान कुछ कानूनी स्तर पर भी हो सकता है, जहां यूं लगे कि वास्तव में जो है महिला को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है पति के द्वारा, तो कानून का सहारा लिया जाए, और अगर तालमेल की कमी आ रही है तो उसमें जो है परिवार के जो सदस्य हैं वो बैठकर समझाएं, काउंसलिंग करवाएं, उस तरीके से भी सर इसमें मैं ना आमतौर पर ये भी देखती हूँ बहुत ज़्यादा ये देखा है कि लड़कियाँ बहुत इस हद तक मानने की कोशिश भी नहीं करती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आप पारिवारिक परामर्श केंद्र की मेरे ख्याल से सदस्य भी रही हैं, एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ससुराल से। आमतौर पर क्या होता है कि अपने पीहर के घर में उसके पास मोबाइल है या नहीं है, यहाँ आते ही स्मार्टफोन चाहिए, सबसे पहला गिफ्ट पति दे उसके स्मार्टफोन चाहिए, कितने रुपए का है वो एक क्राइटेरिया, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि वो मिसयूज जब होता है ना हर चीज का तो वो एक प्रॉब्लम बनाता है हमारे। दूसरा कि वो वाली बात है कि हम वेस्टर्न को कहाँ कॉपी करते हैं, उनके नेचर को कॉपी नहीं कर रहे, वो काम कैसा कर रहे हैं, बाहरी रूप से ऊपरी सतह से तो उनको कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ ड्रेस में ड्रेस। वो मेहनती कितने हैं, वो नहीं वो काम कितना कर रहे हैं, वो कितना 85 years old भी बाहर विदेशों में सभी जगह 85 years old भी ड्राइविंग तक का प्रोफेशन करते हैं, अपने यहाँ पे 50 years के बाद में एक जना कमाएगा बाकी सब रिटायरमेंट रहेंगे, तो ये भी एक मेन रीजन। लौट गई हूँ मैंने देखा 85 years के कार टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग की जॉब जिसमें 12-12 घंटे गाड़ी चलाना है, मतलब वो बोलते हैं कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पश्चिमी देशों का मतलब जो बुराइयां हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं बाकी अच्छाइयां नहीं देख रही हूं, अच्छाइयां नहीं देखते हैं। और वो इतने लेबर है, एक होटल में आप जाओगे तो वहां पे एक ही बंदा आपको मिलता है, वही आपका लगेज भी रखेगा, वही आपकी एंट्री भी करता है, वही आपको रूम तक भी छोड़ने, उनको कोई छोटा बड़ा, रेस्टोरेंट में जाओगे आप वही आपको खाना भी सर्व करेगा, वही प्लेट उठाएगा, अपने यहाँ पे एक 25 जने रख लेंगे, एक खाली बिठाने के लिए, एक पानी पिलाने के लिए, एक वापस प्लेट उठाने के लिए, वहाँ पे कोई भी काम छोटा बड़ा समझते ही नहीं है। शोफ इतना ज्यादा इतना मैंने तो यहाँ तक देखा नहीं कर पा रही, इसको मैनेज नहीं कर पा, मैंने तो वहाँ मेहनत की बात है तो मैंने बहुत यहाँ तक देखा कि रोटरी के प्रोग्राम्स में प्रेसिडेंट खुद बर्तन भी बाद में बाहर रखे जा रहा है खुद कर रहा है, और 80 साल का है आदमी हमारे लोगों से अपने बैग्स नहीं उठाए, वो अपना पूरा कह रहे क्योंकि वे दे आर फिजिकली फिट हैं, हम लोग फिटनेस की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है, हम सब हम ड्रिंक उनकी तरह से करने लग गए, शाम को हम उनकी तरह से ड्रेस पहनने लग गए लेकिन उनकी जो लेबोरियस हम उनकी तरह से लेबोरियस नहीं हुए, हमारी सोच देश के प्रति नहीं बदली उनकी तरह से, ये मेन देश के बारे में सोचते हैं, किस स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं वहाँ मीटिंग्स हो रही हैं तो वहाँ अपना दान भी कर रहे हैं, नहीं वो अच्छी लाइवलीहुड जीने के लिए खुद कमाते हैं, खुद कमाते हैं, यहाँ पे क्या एक जना कमाएगा और 25 जने खाने वाले होंगे तो उनका लेवल वही रहेगा ना, आप एक 5 जने कमाओगे और 10 जने खाओगे तो आप अच्छा लाइवलीहुड जी सकते, अपना कमाओगे तब भी अच्छा लेवल होगा, तो वो अपनी तरह वो जिंदगी जी नहीं पाते उनके। मीनाक्षी मैम मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप लोक आयोजक हैं, IPC की धारा 498 जिसको डावरी वाला बोलते हैं दहेज वाली, दहेज की बात करें या 406 की बात करें, ये दोनों दहेज उत्पीड़न से संबंधित धाराएं हैं, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के नोटिस निकाले मगर इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। मेरा सवाल है कि डोमेस्टिक वायलेंस वो किसी भी प्रकार का हो मगर मुकदमा जो है वो ज़्यादातर 498 में ही दर्ज किया जाता है, उसका उत्पीड़न परिवार में कैसे भी हो रहा हो चाहे लेकिन 498 का मुकदमा, तो संबंधित अपराध के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? इसके साथ केंद्र सरकार ने एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम अलग से बनाया है, उसमें भी दर्ज होते हैं, लेकिन 498A
के साथ 406 तो उसके स्त्री धन के बारे में लगाया जाता है. एक्चुअली वो दहेज से रिलेटेड सेक्शन नहीं है 406 IPC, लेकिन जब उसका स्त्री धन, वो कहती है कि मेरा स्त्री धन भी उन्होंने रख लिया, इसलिए 406 उसके साथ लगाया जाता है. 498A मूलतः इसलिए लगाया जाता है ताकि उसमें सीधे FIR दर्ज हो सके. बाकी एक्ट जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इनमें डायरेक्ट सीधे FIR दर्ज नहीं होती, बल्कि इनमें सीधे पहले कोर्ट में परिवाद पेश किया जाता है, और परिवाद पेश करने पर कोर्ट स्वतः ही उसमें अपना एविडेंस कलेक्ट करके और प्रसंज्ञान लेती है. तो आम आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो अपने सिर्फ थाने में जाने की सेटिस्फेक्शन के लिए ही 498 का प्रयोग करते हैं. और जब परिवाद जाएगा तो उनके पास 498A के अंदर FIR दर्ज करने के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं रहेगा. दीपिका, मेरा सवाल आपसे है, आप पुलिस निगरानी समिति की सदस्य रही हैं, मेरा सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के विरुद्ध महिला उत्पीड़न से संबंधित, या घरेलू हिंसा से संबंधित माने, या विवाह विच्छेद से संबंधित माने, या पॉक्सो एक्ट की बात करें, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए विभिन्न विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के बावजूद अपराधों में कमी दिखाई नहीं देती है. मेरा सवाल है कि फिर महिला का सशक्तिकरण कैसे होगा? पॉक्सो एक्ट बनाया तो बहुत अच्छा है 2012 में, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सेक्सुअल हरेसमेंट और अब्यूज और उसके लिए है. लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, इस एक्ट को पूरा क्रियान्वित करने के लिए, जैसे ही कोई मामला, अगर आप जैसे निर्भया का केस ही देख लीजिए, अगर आप में उसमें तुरंत सजा का अगर प्रावधान नहीं रहेगा तो ये एक्ट कोई कामयाबी की तरफ अग्रसर होगा ही नहीं. इसलिए मुझे ये लगता है कि जैसे पहले बात तो रेप जो है वो एक खतरनाक क्राइम है, तो इसके लिए तो एकदम सशक्त, एकदम हार्ड रूल बनने चाहिए कि आपका तुरंत एक ही हियरिंग में उस केस को ख़त्म करना चाहिए, अगर वास्तव में सबूत उसके खिलाफ है तो. चूंकि अभी ये मामला 10-10 20-20 साल तक चलता रहता है, तो ना तो अपन सोसाइटी को कोई सेटिस्फैक्शन कर पाते हैं कि भाई अगर आपके साथ कुछ हुआ या हुआ तो 10-20 साल केस लड़ेंगे, उसमें तो बेचारी जो बच्ची का हुआ है उसका तो पूरी ज़िंदगी बर्बादी हो जाएगी. तो एक तो इसमें फास्टेस्ट स्कीम लानी चाहिए कोई इसकी देने के लिए. दूसरा, मुझे ये लगता है कि आप कहते हैं कि महिला पुरुष सब एक तरीके से बढ़िए, एक तरीके से बढ़िए, तो जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर आया है और एक जो पॉन साइट्स है, आप इजी अवेलेबल मटेरियल ऑन द इंटरनेट, तो आप इन सब साइट्स पे रियली बैन होना चाहिए. क्योंकि बिफोर 18 अगर आपके बच्चे ये सब चीज़ें देखेंगे तो उनमें ये सब करने की जो चाह है तो वो बढ़ जाएगी. कंट्रीज में बैन है, अपने देश में अपने देश में बैन नहीं, और इतना इजी अवेलेबल है. आप खुद सोचिए, अगर मैं कुछ टाइप करती हूँ तो वो टाइप की बजाय आपका कुछ और ही साइट खुलता है, वो कुछ साइट खुलेगा. तो अगर अपन बच्चे को अभी इतना डर लगता है कि उन्हें फोन दें या नहीं दें, अगर वो फोन देख के, वो तो कहेगा कि मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ाई खुलती ही नहीं है. बच्चे की भी इसमें गलती नहीं है, गलती है पॉन साइट सब तक. तो आप वो उसके बाद में उनको तो क्यूरियसिटी लत लग जाएगी, एक बार अगर वो देखेगा तो उसको लत लग जाएगी, लत लगेगी. तो इसीलिए ऐसा सब चीज कानून बनना चाहिए, ये सब साइट्स को आप बैन कीजिए. प्लस अगर कोई इतना बड़ा केस होता है तो उसकी तुरंत सजा दीजिए. अभी निर्भया के केस में आप देखिए, 10 बार फांसी की सजा सुना दी, 20 बार कैंसिल कर दी, अभी भी इवन अब और याचिका दायर की दी कितनी बार. तो इस तरीके से कि जिन माँ बाप की बच्ची के साथ मजबूत बनाना, लीगल आप इतना तो करिए ना कम से कम, कि इतना बड़ा अगर एक्ट हुआ, इतना बेदर्दी से हुआ, तो आपको तुरंत उस पर सजा देनी चाहिए. लेकिन कानूनी प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा. कानून जब सबके लिए है तो फिर उनके लिए भी है, चाहे अपराधी है चाहे अभी एक और नहीं, तो कानून तो मालूम ही है कि वो सच्चाई है. क्या मालूम है कानून को, तो वहाँ वो सिर्फ मालूम ही है वो बच्ची मरी गई है, उसकी वजह से उसकी मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ है. इसके लिए स्पेशल कोर्ट, लोअर कोर्ट के अंदर प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट. लेकिन हायर लेवल पे जाने के बाद में नहीं हो पाता. जो इंडियन लॉ है कि आप अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगे उसके वहाँ जाओ, हाँ ये सिस्टम बहुत लंबा, आप जहाँ है उसी मामले को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये स्लो हो जाता है. सिस्टम के लिए हर एक सिस्टम पर टाइम बाउंडेशन बनाना चाहिए. तो ये कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो मिला ही नहीं किसी को. दूसरी एक बात और नुकसान होता है सर कि इमीडिएट करने के चक्कर में लोग क्या करें, बच्चियों को मार देते हैं. आपने रेप किया और बच्ची को मार दिया या उसको खत्म कर दिया, ये खतरनाक हो रहा है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है, ये और समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक कारक है.
तो अभी आज हम भी सोचते हैं कि रात को अकेली अगर गर्ल्स को अभी कोई कॉलेज में भी पढ़ रही है तो हमें हमेशा ये रहता है कि नहीं बेटा आप 8 से पहले घर आ जाना, 10 से पहले घर आ जाना। वो इसकी वजह से ही डर लगता है कि अपन तो अच्छे हैं लेकिन और पूरी सोसाइटी का अपन कैसे कुछ कह सकते हैं। समाज में कुछ ऐसे गलत लोग रहे, उन्होंने पूरी सोसाइटी को खत्म कर पूरा खराब कर। मेरे ख्याल से जो चीज़ें ये सामने आ रही हैं, फॉरेन साइड की बात कर रहे हैं या हमारा खान पान रहन सहन है, खान पान रहन सहन पहनावा ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। ये टोटली आप नाइट पार्टीज रात को 12 1 2 5 बजे तक आप घर आ रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है ये सब अपने समाज को नेगेटिव की तरफ लेके जाएगी। दोनों ही बराबर है तो इसीलिए आप, मेरा मानना है कि माँ बाप पहले अपने बच्चों को संस्कारित करें और समाज से ये कहना है और लॉ से ये कहना है कि आप इस तरह की साइट से बैन कानून बनाए और उन पर बैन करें और फास्ट सजा दे, फास्ट सजा दे। उसकी माँ बड़े एकदम रोमांटिक वे में उसके साथ लड़कर एक फ्रेंड बनने के चक्कर में पूछती है, वो तुम्हारी सेटिंग है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा किस, जब आप बेटे के साथ बेटी से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा जानता है कि मैं कुछ भी कर लूँ तो हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करें, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है, ये सब प्रॉब्लम आती है। आजकल मदर भी मतलब जो है ना बच्चों की, वो मॉडर्न हो गई है और वो अपने आप को फखर महसूस करती है कि मेरा बेटा मेरे को बोले यार मम्मा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो तो एक्चुअली हमें अपने समाज पे वापस तरीके से लाना पड़ेगा, जो नियम संस्कार बनाए गए हैं वो सब अच्छे बने ज्यादा जरूरी है। आप सबसे आखिरी सवाल मेरा, आप सभी कामकाजी महिलाओं की श्रेणी में आती है, आपके अपने अपने कार्यस्थल पर ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो आपके कार्य को प्रभावित करती है, अपने अपने फील्ड की दुश्वारियां बताएं ताकि सरकार तक बात पहुंच सके और उसका समाधान हो सके। संजू मैम आपसे शुरू करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हम लोगों को सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या शायद बाकी सबको भी आती होगी, हमें जो है एक समस्या तो आती है बच्चों को लेकर, जो है कामकाजी लगभग सभी महिलाओं को ये समस्या रहती है क्योंकि हमारा कोई भी समय जो है वो निर्धारित नहीं है, हमें कभी भी जो है वो थाने पर आना पड़ता है रात में दिन में, तो जो हमारी ड्यूटी है वो काफ़ी हार्ड होने की वजह से हम बच्चों को जो है वो प्रॉपर ना तो हम टाइम दे पाते हैं और अगर टाइम देना भी चाहें तो बीच में हमारा जो ये शेड्यूल है जो ड्यूटी का वो जो है उसमें बैलेंस बिठाना हमारे लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो सरकार अगर हमारे लिए अगर कुछ करना चाहे तो मैं ये कहूँगी कि जो बच्चों के लिए जो है प्रॉपर एक सिस्टम बराबर जो है वो डेवलप करे, उसके लिए क्रैच या इस तरह के सिस्टम्स जो है प्रॉपरली बनने चाहिए। ये नहीं है कि बना दिए और आपने छोड़ दिए और उसके बाद उसके अंदर कोई प्रॉपरली केयर करने वाला नहीं आ रहा है या कुछ नहीं है तो फिर हम भी उससे कतराएंगे, वहाँ हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि प्रॉपरली सिस्टम डेवलप करके और एक पैरेलल बराबर हमारे लिए व्यवस्था रहे ताकि फिर हम जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो आराम से कर सकें। लक्ष्मी आप बताएं। प्रत्येक जो भी हर एक ऑफिस होता है उस ऑफिस में प्रत्येक महिला के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट, उसकी बेसिक नीड्स की जैसे फैसिलिटीज हो गई, वॉशरूम्स हो गए, इन सब की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ तो मुझे ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली एक हेल्दी एटमोसफेयर तो सब ऑफिस में होना चाहिए और जहाँ पर महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल महसूस हो, बाजार में या कहीं भी जाएँ तो उनके लिए वॉशरूम का या उनके बेसिक एमिनिटीज़ हैं होनी चाहिए और कहीं भी जाएँ प्रॉपर फक्तियाँ को कसता है तो उसको समाज जो है ना वो तिरस्कृत करे। तो समाज का एक बहुत बड़ा रोल है इस बात में और सिर्फ कानून बनाने से इतना बड़ा नहीं होगा। तो ये भी ज़रूरी है जैसे कि आम काम का जी महिला है वो ये नहीं है कि सवेरे से उठ के रात तक काम करती है, परिवार उसका साथ दे तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। ये नहीं वो कोल्लू का बैल बन के अकेली ही रहे, सारे परिवार को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा और सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो समाज की जो सोच है उसको थोड़ा सा परिवर्तित तो होना पड़ेगा और वो एक माँ ही कर सकती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। माँ ही अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से बराबर पाले और बराबर एजुकेशन दे और उनको मोटिवेट करे करने के लिए, तो उनको साथ में काम लेके चले तो सरकार की तभी हो पाएंगे। सिर्फ कानून काफ़ी नहीं रहते, उसके लिए हमारे समाज का ही परिवर्तन की जरूरत है। मैं तो इन सब ने जैसे बताया सबने, यानी कि वही बेसिक पॉइंट्स ही हैं, एक हेल्दी और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, पूरा वातावरण वहाँ का अच्छा हो ऑफिस का, और एक उनका वर्क और जो फैमिली है
दोनों को वो बैलेंस कर पाए, ऐसा एक एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए जिससे कि इजीली कामकाजी महिलाएं भी काम में भी आगे बढ़ सकें और फैमिली भी अच्छे से रह सर। मैं तो यही कहना चाहूँगी खासतौर पर, क्योंकि मैं स्कूल गोइंग गर्ल्स और कॉलेज गोइंग गर्ल्स में ज़्यादा टच में हूँ, तो जिस तरह से मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स उनको फ्री करते हैं, आज़ादी देते हैं बाहर आने जाने की, पढ़ने की, लेकिन जब वो उस चीज़ को रॉन्ग वे में लेके जाती हैं, ड्रेसिंग सेंस को करना, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बाहर घूमना फिरना, उन्होंने ये मतलब निकाल लिया है महिला सशक्तिकरण का, तो उन स्कूल गर्ल्स और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, जो वर्किंग गर्ल्स हैं स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्हें यही कहूँगी कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपके आस पास माहौल, जो मोहल्ला है आपका, राज्य समाज को बदलने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा, तभी पुरुष अपने आप को बदल पाएगा। तो ये थे महिला दिवस पर आयोजित परिचर्चा में भाग ले रहे हमारे मेहमान। तमाम अतिथियों ने मेरे सभी सवालों के जवाब बड़े तथ्यात्मक और बेहतरीन तरीके से दिए। अतिथियों का कहना है कि समाज को महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार में कथनी और करनी में अंतर लाना होगा। महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिला स्वावलंबन की बातें मात्र कागजों में नहीं व्यवहार में भी लानी होगी। अतिथियों का कहना है कि नारी का सारा जीवन पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में ही बीत जाता है। पहले मायके में पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ कामकाज, यानी कामकाज के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की दोहरी जिम्मेवारी। विवाह के पश्चात महिलाओं पर और भी भारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। पति, सास, ससुर, देवर, ननद की सेवा के पश्चात उनके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। वे कोलू के बैल की मानिंद घर परिवार में ही खटती रहती हैं। संतान के जन्म के बाद तो उनकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। घर परिवार चौके चूल्हे में खटने में ही एक आम महिला का जीवन कब व्यतीत हो जाता है उसे बेचारी को पता ही नहीं चलता। बहरहाल परिवार और समाज की खातिर अपना जीवन होम कर देने वाली भारतीय महिलाएं सदैव सम्मान का हकदार हैं। प्रत्येक माँ बाप को चाहिए कि वह जन्म से ही बच्चों को महिलाओं की इज्जत करने की शिक्षा दे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।